हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम पेपर नंबर 47 अस्तित्व ऐप पर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन करेंगे। वह पेपर हाल ही में 3 अक्टूबर को आयोजित एनवीएस नवोदय विद्यालय पेपर, जिसका एक्सप्लेनेशन आपकी मांग के अनुसार, आपकी डिमांड थी कि एनवीएस पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाए, तो आज हम आपके बीच में लेकर के आए हैं नवोदय विद्यालय का पेपर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे पहला प्रश्न देखें कि एक शैक्षणिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। हमारे सामने पहला ऑप्शन था संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मी। दूसरा ऑप्शन था हमारा वैज्ञानिक, शोध विद्वान और छात्र। तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक, शोध विद्वान और प्रशासनिक कर्मी। और चौथा ऑप्शन दिया था आपका संकाय सदस्य, छात्र, प्रशासनिक कर्मी। तो हमारा यहाँ पे पूछा है शैक्षणिक पुस्तकालय अर्थात स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में हमारा महाविद्यालय संकाय में बटा होता है अर्थात संकाय के सदस्य, यूनिवर्सिटी में शोध संस्थान, छात्र स्कूल में और प्रशासनिक कर्मी यानी कि पुस्तकालय के कर्मचारी। तो इसमें हमारी ये चार श्रेणियां रहेगी, संकाय सदस्य, शोध विद्वान, छात्र और प्रशासनिक कर्मचारी। यहाँ हमारा सही आंसर रहेगा ए। आगे हम दूसरा प्रश्न देखें कि डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। डेटा को किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन था आपके सामने पूर्ण द्वैत संचार, एक संकेतन संचार, अर्ध द्वैत संचार और द्वैत संचार। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा अर्ध द्वैत संचार। डेटा को किसी भी दिशा में तो भेजा जा सकता है लेकिन एक साथ नहीं, इसे हम अर्ध द्वैत संचार कहते हैं। अर्थात अब आगे देखें हम डाटा। डेटा से हम शब्द निकालें इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से हम कहें कि नॉलेज। नॉलेज के बाद हम देखें कि विजडम, और विजडम से ट्रेडिशनल। यह आपका वर्गीकरण प्रोफेसर एमपी सिद्धा इस क्रम को आगे बढ़ाया है हमारे प्रोफेसर एमपी सिद्धा ने। उन्होंने कहा है कि ज्ञान डाटा, डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नॉलेज, नॉलेज बुद्धि और यह परंपरागत। अगर हम देखें यहाँ पे कि आंकड़े सूचना, आंकड़ों का समूह सूचना, सूचनाओं का समूह ज्ञान, बुद्धि और परंपरा, यह हमसे पूछ लिया जाता है, यह क्रम दे दिया जाएगा कि डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम और ट्रेडिशनल। तो यह क्रम किनके द्वारा दिया गया, इस क्रम को आगे किन्होंने बढ़ाया है? एमपी सिद्धा महोदय ने। हमारा यह नोट डाउन कर लीजिए। आपके लिए एक विशेष सूचना है कि राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए श्री समृद्धि क्लासेस की तरफ से 20 अक्टूबर को आपके 11 से 2 के बीच में फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक भाग लें। 20 तारीख को रहेगा आपका 11 से 2 के बीच में। पहले भी आपको एक मॉक टेस्ट करवाया गया है, अब यह दूसरा मॉक टेस्ट, जिस आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी या प्लेलिस्ट में किरण मैम द्वारा
पूरी वीडियो पर विस्तृत चर्चा लाइव आकर के बताई गई है, तो आप उसे जरूर देखें। आगे हम हमारा प्रश्न देखें तीसरा, कि जनसंपर्क से एक समुदाय के भीतर स्थापित करने में मदद मिलती है, सेवा या स्थान, छवि, छवि और स्थान या स्थान। हम यहाँ पे कहें कि जनसंपर्क से एक समुदाय के भीतर हमारी छवि तथा स्थान, सही आंसर रहेगा हमारा छवि एवं स्थान। आगे हम चौथे प्रश्न पे देखें कि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो जैसे अन्य मीडिया मिश्रित हाइपर टेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहेंगे? हाइपर मीडिया, क्योंकि यहां पर हमारा ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर यहाँ पे हम लिंक का पूछा होता, पृष्ठों की जगह लिंक रहता, तो हमारा सही आंसर होता हाइपरलिंक। यहाँ पे हमारी बात हो रही है ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो तथा अन्य मीडिया, तो उनके पृष्ठों को क्या कहेंगे हम? हाइपर मीडिया। या पर्टिकुलर कोई एक एड्रेस दिया होता तो हम उसे क्या कह सकते थे? हाइपरलिंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीबी कृष्णा राव को किस शीर्षक के तहत पुस्तकालय विज्ञान की पहली डॉक्टरेट डिग्री मिली थी? तो हम यहाँ पहले तो हमारा प्रश्न है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी कब से शुरू की गई, तो 1951 से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। और डीबी कृष्णा राव महोदय1957 में इनकी कंप्लीट होती है पीएचडी, और इनका विषय था हमारा कृषि का पक्ष विश्लेषण, कृषि का पक्ष विश्लेषण कृषि का पक्ष विश्लेषण एवं गहन वर्गीकरण। डीबी कृष्णाराव महोदय के पीएचडी में कौन सा सब्जेक्ट था, तो उनकी यह पीएचडी कृषि का पक्ष विश्लेषण एवं गहन वर्गीकरण इनका टॉपिक था। तो इनकी दिल्ली विश्वविद्यालय में सबमिट 1957 में इनकी पीएचडी कंप्लीट होती है। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक चयन की मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत इनमें से किसका योगदान है? बुक सिलेक्शन। यहां से एक प्रश्न हमारा लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, और यह सॉल्यूशन का तात्पर्य हमारा उद्देश्य भी यही है कि वर्तमान में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्या तो ट्रेंड है, और जिन्हें हम आगामी हमारा जो राजस्थान लाइब्रेरियन है 700 पोस्ट या केवी में अभी वर्तमान में हाल ही में आने ही वाली है केंद्रीय विद्यालय की, तो हम उनके लिए, या अभी हमारा दिसंबर में नेट का एग्जाम है, तो हम उसमें किस तरह से हमारा पेपर का लेवल रहेगा, या हम उन प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ प्रश्न है पुस्तक चयन, पुस्तक चयन। तो पुस्तक चयन में हमारा यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि पुस्तक चयन की मांग आपूर्ति सिद्धांत, पुस्तक चयन में मांग आपूर्ति सिद्धांत। तो ऑप्शन पे एक दृष्टि डालें हम, तो हमारा दे रखा है मैकालविन, एफ डब्ल्यू ड्यूरे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन और मेलविन डेवी। तो हमारा यहाँ पे हम बुक सिलेक्शन की बात करें और ऑप्शन चारों की हम बात करें, तो ये चारों ही वैज्ञानिक या हमारे विद्वान नौ का बुक सिलेक्शन से कहीं ना कहीं संबंध रहा है। तो हम पहले ऑप्शन पे हमारी बात करें कि मैकालविन महोदय,
मैकालविन महोदय कहते हैं कि मांग आपूर्ति सिद्धांत पुस्तक चयन में मांग पूर्ति या मांग आपूर्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। मैकालविन महोदय का मांग पूर्ति सिद्धांत आता है 1925। अब दूसरा ऑप्शन हम देखें कि एफडब्ल्यू ड्यूरे, एफडब्ल्यू ड्यूरे एफडब्ल्यू ड्यूरे कहते हैं 1930 में सिद्धांत देते हैं। एफडब्ल्यू ड्यूरे बुक सिलेक्शन में कहते हैं उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त पाठ्य सामग्री मिले, उपयुक्त पाठ्य सामग्री मिले। तो यहां पे हमने पहला देखा मैकालविन का, मैकालविन महोदय कहते हैं पाठक की मांग या मांग आपूर्ति के आधार पर उसके बुक का चयन करें, तथा एफडब्ल्यू ड्यूरे महोदय 1930 में सिद्धांत देते हैं कि उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त उसकी उपयुक्त पाठ्य सामग्री उसे मिले। हमारा तीसरा विकल्प है डॉक्टर रंगानाथन महोदय। तो डॉक्टर रंगानाथन महोदय ने फाइव लॉ के आधार पर बुक सिलेक्शन दिया। डॉक्टर एस आर रंगानाथ, एस आर रंगानाथ। यहां पे आता है इनका बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन नामक बुक में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है। तो इनकी 1952 में फर्स्ट एडिशन तथा 1966 में सेकंड एडिशन, बुक सिलेक्शन का सेकंड एडिशन संस्करण, दूसरा संस्करण। तो बुक सिलेक्शन में पाठक की मांग के अनुसार या पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों को ध्यान में रखते हुए बुक सिलेक्शन करें, और बुक सिलेक्शन नामक किताब में इन्होंने इसको बताया है। तो यहाँ पे उनका पहला आता है 1952 में पहला संस्करण, और दूसरा संस्करण है आपका 1966 में, यह भी पूछा जाता है। तीसरा हमारा अंतिम चौथा ऑप्शन दे रखा है मेलविल डेवी महोदय, मेलविल डेवी। मेलविल डेवी महोदय का सिद्धांत आता है 1876 में। यह कहते हैं अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठ्य सामग्री, हमने यहां पे बात की पहले नंबर पे मैकालविन महोदय की, तो उन्होंने कहा कि मांग आपूर्ति के सिद्धांत पर पुस्तक का चयन हो। दूसरे नंबर पे हमने देखा एफडब्ल्यू ड्यूरे महोदय ने कहा कि उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त पाठ्य सामग्री मिले, और रंगनाथन महोदय ने बुक सिलेक्शन में
पुस्तक चयन के बारे में, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से संबंधित ध्यान में रखते हुए बुक सिलेक्शन में उन्होंने पुस्तक चयन को बताया महत्वपूर्ण दिया, महत्व दिया। और मेलविल डीवी महोदय का यहाँ पे सिद्धांत आता है कि अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठ्य सामग्री मिले। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर तो यहाँ पे था हमारा मैकाल्विन, और यहाँ पे हमने तीनों ऑप्शन पे बात की, तो तीनों ऑप्शन भी बुक सिलेक्शन से ही महत्व रखते हैं और इनके बारे में भी हमें ध्यान होना चाहिए। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 1950 में सीपीएम पद्धति किसने विकसित की? सीपीएम 1950 किसने विकसित की? तो हमारा सही आंसर रहेगा केली वॉकर, केली और वॉकर। केली वॉकर यहाँ पे हमारे सामने इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो क्रिटिकल पथ मेथड, सीपीएम की हमें फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्रिटिकल पथ मेथड 1950 केली और वॉकर में। तो हमारे यहाँ पे तीन प्रश्न क्लियर होते हैं कि सीपीएम कब आया, 1950 किसने विकसित किया, केली एंड वॉकर ने, और इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्रिटिकल पैथ मेथड। आगे हम बढ़े, हमारा अगला प्रश्न है कि उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को इनमें से किसकी मदद से मशीन स्तर के निर्देश को हम रूपांतरित करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है उच्च स्तर की भाषा को, भाषा में लिखे प्रोग्राम को किनकी मदद से, किसकी मदद से निर्देशों को हम रूपांतरित करते हैं। तो हमारा सिंपल सा प्रश्न था कि कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर हमारे यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा सही आंसर रहेगा कंपाइलर, असेंबलर। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलना असेंबलर का कार्य है, एडिटर तो वह एडिटिंग का कार्य कर रहा है, लिंकर से यहाँ तात्पर्य नहीं है हमारा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या रहा, कंपाइलर। अगर हम आगे बढ़े कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, आप में से बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने में लिख के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, किसका? वेरी गुड, SMPT। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे हम देखें, हमारा 10वां प्रश्न आता है कि संसार उपग्रह में से इनमें से किस चीज का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्धन और पुनर्संचरण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या रहेगा, प्रेक्षग्राही, क्या रहेगा, प्रेक्षग्राही। आगे हम अपना देखें कि अपने तेज गति के डेटा नेटवर्क से आधुनिक विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों में संचालित करने वाले राष्ट्रीय केंद्र को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लिपनेट। तो हमारा इन्फ्लिपनेट का विकास निस्कॉम इंस्टॉक से की सहायता से, हम आगे देखें इन्फ्लिपनेट, इन्फ्लिपनेट का विकास होता है हमारा 2002 में। यह विश्वविद्यालयों में संचालित राष्ट्रीय केंद्र, यहाँ पे हम यह कहें कि नेटवर्क सर्वाधिक यूज होने वाला नेटवर्क है हमारा इन्फ्लिपनेट, जो यहाँ पे 2002 में हमारा विकसित होता है। आगे हम ऑप्शन में देखें कि डेलनेट, निकनेट, पूछा जाता है कि निकनेट का आविष्कार कब हुआ, तो हमारा
सही आंसर रहेगा 1977, और डेलनेट का डेलनेट आता है हमारा 1988। तो हमारे यहाँ पे तीन प्रश्न बनते हैं, इन्फ्लिपनेट 2002 में, निकनेट 1977 में और डेलनेट 1988 में। हम आगे देखें कि अपूर्ण विराम वर्गीकरण का छठा संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ, अर्थात सीसी का। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न है कि अपूर्ण विराम वर्गीकरण का छठा संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ, 1933, 1939, 1950, 1952, 1957, 1960, 1987। यहां हमारा पहला संस्करण है, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण, पांचवा संस्करण, छठा संस्करण और यह सातवां संस्करण, और सिक्स्थ रीप्रिंट हमारे आए हैं। तिरसठ, चौसठ, 69। सीसी के हमारे संस्करणों की बात करें तो हम पहला संस्करण हमारा 1933 में, दूसरा 1939 में, तीसरा 1950 में, चौथा 1952 में, पांचवा 1957 में, छठा 1960 में, सातवां 1987 में, और यहाँ पे छठा रिप्रिंट हमारा आता है संशोधित 1963, 1964 और 1969 में। हम आगे बढ़े तो हमारा प्रश्न है मार्क 250, 250 मार्क 21 का, 250। यहाँ पे टैग पूछा गया है हमसे, मार्क 21 में 250। हम ऑप्शन पे एक दृष्टि डालें तो पहला ऑप्शन है हमारा संस्करण, दूसरा ऑप्शन है हमारा श्रृंखला कथन, तीसरा ऑप्शन है सामान्य कथन और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रकाशन। तो इनका आंसर रहेगा हमारा पहला ऑप्शन एडिशन संस्करण, और हम अगर चौथा ऑप्शन हमारा देखें तो चौथा ऑप्शन है हमारा प्रकाशन, प्रकाशन का रहता है 260। नोट कर लीजिएगा आपका प्रकाशन 260 और संस्करण 250। हमें इनके सभी जो टैग है टैग हमें याद करने होंगे, तो एक टेबल के रूप में हमें तैयार करनी है कि 010, 020, 100, 200, 300, 400, 500 या किस तरह से है। 300 का भी पूछा गया था तो हमें इन सभी का पता होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान में इस एनवीएस में ही हमारे इस मार्क से दो क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो आगामी हम सभी एग्जाम के लिए हम कम से कम जो ये 10 या 15 जो मार्क है उन्हें तो हम कम से कम याद रखें, या फिर ये कहें कि स्टैंडर्ड जो भी है उन्हें भी हम याद रखें। तो ये हमें क्या दर्शाते हैं, ये हमें आधुनिक प्रश्न पत्रों की जो बनने की शैली है उनसे हमें अवगत कराते हैं कि हमारे सामने जो नवीनतम जो प्रश्न आ रहे हैं उन पे भी हम ध्यान रखें, उनसे रिलेटेड जैसे मार्क आ गया, सीपीएम देखा था अभी हमने, और आगे भी हम देखेंगे स्टैंडर्ड कौन सा पूछा गया है। चलिए आई गया अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दकोशीय सूची के लिए नियम के कौन लेखक है, तो हमें आप में से कोई बता सकता है शब्दकोशीय सूची डिक्शनरी कैटलॉग।
के नियम, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, वेरी गुड, सी ए कटर। तो हमारा सही आंसर रहेगा सी ए कटर महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईएसओ, आईएसओ 9000, तो यह किनके लिए है, अर्थात कि टीक्यूएम, टीक्यूएम पद्धति का स्टैंडर्ड हमारे सामने दिया है आईएसओ 9000, जो कि पुस्तकालयों एवं सूचना केंद्रों पर नियोजित किया जाता है आईएसओ 9000। तो अब हमारा यहां से पुस्तकालय के लिए हमारा पूछा पुस्तकालय और सूचना केंद्र, अगला हमारा पूछा जा सकता है कि पुस्तकालय भवन का, सार्वजनिक पुस्तकालय का, सीडी रोम का, तो इन सभी के हमारे स्टैंडर्ड हमें, फर्नीचर का, तो हमें इनके स्टैंडर्ड पता होने चाहिए। आगे हम देखें कि संदर्भ सामग्री के लिए वॉलफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि संदर्भ सामग्री के लिए वॉलफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी, अमरीकी पुस्तकालय संगठन शिकागो, पुस्तकालय संगठन प्रकाशन दिल्ली, लेनार्ड इंफॉर्मेशन लिमिटेड न्यू जर्सी, आरआर बॉकर लंदन। तो हमारा यहां सही आंसर रहेगा पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन, पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन संदर्भ सामग्री के लिए वॉलफोर्ड की मार्गदर्शिका। अगला प्रश्न आता है हमारा पोस्टकार्ड, पोस्ट कार्ड, पहला प्रश्न हमारा यहां पे है कि यह किसने दिया, पहला प्रश्न आया कि किसने दिया, दूसरा प्रश्न हमारे तरफ से आता है कि कब दिया, तीसरा ऑप्शन आता है हमारा प्रश्न रहता है कि क्यों दिया, और अगला प्रश्न होता है पी ओ एस टी सी ओ आर बी का अर्थ क्या है। तो हम बात करें कि पोस्टकार्ड किसने दिया, तो जिसका सही आंसर रहेगा हमारा लूथर गुलिक, लूथर गुलिक व उर्विक। पोस्टकार्ड किसने दिया, तो हमारा सही आंसर रहता है कि लूथर गुलिक और उर्विक ने। कब दिया, 1937 में। तो क्यों दिया, क्योंकि यह प्रशासन के कार्यों से हमें अवगत करवाता है। प्रशासन के कार्यों से अवगत, इस फॉर्मूले के द्वारा पोस्टकार्ड जो हमारा लूथर गुलिक उर्विक महोदय ने जो हमें यह फॉर्मूला दिया है 1937 में, इस फॉर्मूले के द्वारा प्रशासन के कार्यों से हमें अवगत करवाया गया है, जिसमें हम देखें कि इनका क्या रहता है, पी से है हमारा प्लानिंग, प्लानिंग ओ से रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एस से तात्पर्य हमारा स्टाफिंग, स्टाफिंग डी से हमारा रहेगा डायरेक्टिंग, डायरेक्शनिंग,
बी से हमारा है डायरेक्टिंग, सी से आ गया कोऑर्डिनेटिंग, और आर से है रिपोर्टिंग, और बी से है हमारा बजटिंग। पी से है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये हमारे प्रशासन के 6 कार्य हैं। सात कार्य जो दिए हैं हमारा यहाँ पे लूथर गुलिक महोदय तथा उर्विक महोदय ने। आगे हम प्रश्न देखें हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी पुस्तक के लेखक का नाम लेखक का न पता हो तो ऐसे कार्य को हम क्या कहता। तो हमारा पिछले जो ऑनलाइन टेस्टरी चल रही है उनमें भी यह प्रश्न आ चुका था। हमने पता है कि जिस कृति में लेख गुमनाम कृति है तो उसके हम क्या कहेंगे, गुमनाम। अर्थात जिस लेखक का पता ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, गुमनाम कृति। आगे हम देखें कि उद्धरण अनुक्रम निम्न में से किसका योगदान है। तो हमारा ऑप्शन है ए यूजिन गारफील्ड का, एल एन प्रिचर्ड का, एच पी लुहान सर का, या फिर एस आर रंगनाथन महोदय का। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा यूजिन गारफील्ड। क्या रहेगा, यूजिन गारफील्ड। उद्धरण अनुक्रम में किसका योगदान है, तो हमारा सही आंसर रहता है यूजिन गारफील्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विज्ञान सार, भारतीय विज्ञान सार नामक पत्रिका किससे संबंधित है, कौन प्रकाशित करता है, RRLF, सैंडॉग, डेसीडॉग या निस्केयर। तो हमारा सही आंसर रहेगा निस्केयर। निस्केयर का, निस्केयर के द्वारा यह प्रकाशित हो रही है पत्रिका। और दूसरा ऑप्शन हम देखें कि सैंडॉग, तो इसका यह सैंडॉग 1971 में विकसित होता है। हमने यह पिछले देखा कि डेलनेट, डेसीडॉग और इंसडॉग। अब बात आती है हमारी इंसडॉग पे। डेसीडॉग 1958, सैंडॉग 1971 और डेसीडॉग हमारा आता है 1978 में। भारतीय विज्ञान सार जो ये पत्रिका है यह निस्केयर के द्वारा प्रकाशित हो रही है। और निस्केयर की हम बात करें तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, ISSN किसके द्वारा जारी होता है, तो यह भी निस्केयर के द्वारा जारी होता है। आगे हम देखें कि कंप्यूटर के छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा WAN, तीसरा ऑप्शन है हमारा LN।
तो हमारे यहाँ पूछा है छोटे से भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, तो यह हो गया वाइल्ड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा छोटा छोटा सा कस्बा या छोटा सा भौगोलिक खंड है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। आगे हम बात करें कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, तो हमें तीन दिए हैं, FTP, SMTP और तीसरा दिया है HTTP। तो पहले की हम फुल फॉर्म देखें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेलिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये तीनों हमारे प्रोटोकॉल है। और चौथा ऑप्शन जो इन्होंने दिया है NMP, यह कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो हमारा सही आंसर यह है NMP, और प्रोटोकॉल हमारे सामने है तीनों की, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेलिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे हम बात करें कि प्राथमिक साहित्य के स्थापन एवं पुनः संवेष्टन सहन की क्रिया प्रक्रिया के जिसमें माध्यमिक पत्रिकाएं बनती है, पत्रिकाएं बनती है, तो उसका सही आंसर रहेगा सारकरण एवं अनुक्रमणी पत्रिकाएं। हम आगे देखें, हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि पुस्तकालय पेशेवरों के लिए आचरण के 7 दीप के तहत क्या नहीं दी जाती है। हमारा प्रश्न है आचरण आचरण के 7 दीप, इनमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन पे हम नजर डालें। आचरण के 7 दीप, स्वयं से पहले सेवा, स्वयं से पहले सेवा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, और तीसरा है ऑप्शन हमारा कि शिष्टाचार। यह तीनों पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को हमें इंगित करते हैं। यहाँ पे भी 7 व्यवहारों से हमें परिचय करवाया गया है कि पुस्तकालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के किस तरह से आचरण रहे। जैसे हमने KM शिवरामन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को भी क्या कहा था, आचरण संहिता। तो यहाँ पे आचरण के 7 द्वीपों में से कुछ द्वीप जैसे दिए हैं कि स्वयं से पहले सेवा, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और शिष्टाचार। तो ये तीनों, तो इन 7 में से यह 3 इसमें रहते हैं, और चौथा जो ऑप्शन आपका दे रखा है गोपनीयता, यह इनमें शामिल नहीं है। आगे हम बात करें कि इनमें से किस प्रकार के सूचना स्रोतों को पंचांग कहा जाता है, तो पंचांग से हमारा तात्पर्य कि तैयार प्रस्तुति, अर्थात तैयार संदर्भ जो है वह हमारा पंचांग कहलाता है। आगे हम बात करें कि समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन, कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को हम क्या कहेंगे, तो हमारा वह सही आंसर रहेगा प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रदर्शन मूल्यांकन। अब बात आती है हमारी अगले प्रश्न पर, तुलामिति।
तुला मिति। या हम कहें लिब्रा मैट्री। यह शब्द डॉक्टर रंगानाथन महोदय ने 1948 में डॉक्टर रंगानाथन महोदय द्वारा 1948 में लिब्रा मैट्री शब्द का प्रयोग किया गया। लिब्रा मैट्री या हिंदी में हम कहें तुलामिति शब्द का प्रयोग 1948 में किया डॉक्टर रंगनाथन महोदय। आगे हम बात करें, प्रश्न आता है हमारा पीएमईएसटी में पीएमईएसटी में अर्धविराम किसके लिए एक संयोजक प्रतीत होता है। तो हमें पता है कि पर्सनैलिटी कॉमा सेमीकॉलन कॉलन स्पेस और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। पीएमईएसटी के लिए हमें फॉर्मूले में पता चल जाता है कि व्यक्ति के लिए क्या है, मैटर के लिए, पदार्थ के लिए क्या है, एनर्जी के लिए क्या है, स्पेस के लिए क्या है और टाइम के लिए क्या है। हम इन सभी के चिन्हों को भी हमें ध्यान रखना होगा। यह सिंपल सा प्रश्न था। आगे हम बढ़ें कि शब्द में अदिश श्रृंखला, अदिश और सदिश श्रृंखला में इनमें से किससे जुड़ा है। तो यह हमारा सही आंसर रहेगा गैंग प्लान। क्या सही आंसर रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा गैंग प्लान। आगे नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय के उपयोगकर्ता समुदाय में क्या सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होगा? उपयोगकर्ता का द्वि समूह, उपयोगकर्ताओं का एकल समूह, या उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह, या उपयोगकर्ताओं का सजातीय समूह। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि सार्वजनिक पुस्तकालय, तो सार्वजनिक पुस्तकालय में कौन आ सकता है? केवल विद्यार्थी, केवल शोधकर्ता, या फिर हम यूं कहें कि सभी, सभी का यानी कि बच्चे से लेकर के बुढ़े तक या प्रौढ़ अवस्था तक, अर्थात कि बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था, सभी सार्वजनिक पुस्तकालय अर्थात जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, अर्थात कि सभी इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय में है। तो उपयोगकर्ताओं का विजातीय समूह यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि अमीर या गरीब का कोई भेदभाव नहीं, बड़े या बुढ़े का कोई भेदभाव नहीं, रोगी किसी का भी यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पे हमारा विजातीय समूह रहेगा सार्वजनिक पुस्तकालय समुदाय में। आगे हमारा आता है कि शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख को हम किस में शामिल करेंगे, अर्थात शोध हमारा किससे संबंधित रहे, किस स्रोत से संबंधित रहेगा कि प्राथमिक स्रोत से, किससे संबंधित रहेगा? प्राथमिक स्रोत से। अगला प्रश्न आता है हमारा कि URL का पूरा नाम बताओ। URL URL ऑप्शन है आपके सामने, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन। तो हमारा सही आंसर रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न था कि खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय पटना की स्थापना किस वर्ष की गई। खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो हमारा सही आंसर रहेगा 1891। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी 1891।
आगे है हमारा ज्ञान प्रबंध से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ज्ञान प्रबंध से क्या तात्पर्य है, तो हमारा ऑप्शन है कि सूचना प्रबंध की सारी गतिविधियां शामिल है। क्या प्रबंध की सारी गतिविधियां हैं? पहला था सूचना प्रबंध की सारी गतिविधियां शामिल है। दूसरा प्रश्न है कि प्रबंध की सारी गतिविधियां शामिल है, या तीसरा प्रश्न है कि सूचना प्रबंध की तो सारी गतिविधियां के साथ साथ खास गतिविधियां भी शामिल है। तो सही आंसर रहेगा कि सूचना प्रबंध की सारी गतिविधियों के साथ साथ कुछ खास गतिविधियां भी शामिल है। आगे हम बात करें कि DRLG मेलिंग सूची कौन बनाकर रखता है, तो हमें इसका सही आंसर भी है, हमारा सही सिंपल सा प्रश्न, DRTC इसकी सारी सूची को बना करके रखता है। अगला प्रश्न आता है ASCII कोड का। ASCII कोड 257 या 258 कोड रखता है, जिसमें हमारा यहां पे पूछा है ए का क्या कोड। हम बात करें ए के कोड की, तो हमारा सही आंसर रहता है 065। ए सी और आई इन तीनों के भी हम कोड देखें तो एस का रहेगा हमारा 115, सी का रहेगा हमारा 65067, और आई का रहेगा हमारा 073। इनके भी आप कोड लिख लीजिए, आई का रहेगा 073, ए 065, 115, 067, 073 और 073। आगे बढ़े कि पुस्तकालय अध्यक्ष पेशे की असल भावना तब आई जब अमेरिका असर डॉन डिकिसन ने भारतीय पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए इसकी मदद से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा पंजाब पुस्तकालय प्राइमर जो 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय पंजाब पुस्तकालय प्राइमर। नामक शिक्षा को प्रारंभ किया था आशा डॉन डिकिंसन ने 1915 में। आगे हम देखें कि इंपीरियल पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था, तो सही आंसर रहेगा हमारा जॉन मैकफरलेन। उसके बाद में आते हैं हमारे हरिनाथ डे, तो इनका कार्यकाल रहता है 1901 से 1906 तक, जॉन मैकफरलेन का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सरस्वती महल। सरस्वती महल कहाँ है? तंजावुर। तंजावुर में। हमारा अगला प्रश्न है कि ACR2 के अनुसार उत्तरदायित्व कथन से पहले क्या लगा होना चाहिए? उत्तरदायित्व कथन से पहले ACR2 की मैन एंट्री में हम बात करें, मैन एंट्री के सभी निर्देश कहां पे कॉलन आएगा, कॉमा आएगा, कहां पे अर्धविराम आएगा, यहां पे हमारा पूछा गया है उत्तरदायित्व से, उत्तरदायित्व कथन से पूर्व, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा विकर्णी त्रयक, अर्थात स्लैश से तात्पर्य क्या रहेगा ACR2 में। उत्तरदायित्व कथन से पहले हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो विकर्णी त्रयक अर्थात
कि स्लैश का इसका प्रयोग करते हैं, आगे हम ऑब्लिक का, आगे हम बात करें कि इन में से 2012 के बाद से प्रिंट रूप में प्रकाशित होना बंद हो गया। विश्वकोश ब्रिटेनिका, नया विश्वकोश ब्रिटेनिका है जो 2012 से बंद हो गया। आगे हम बात करें कि यूरोपा विश्व वार्षिक कब से प्रकाशित हो रहा है, तो 1953। आगे हम बात करें तीसरे ऑप्शन में कि किसिंग के पारंपरिक पुरालेख जो 1931 से लंदन से प्रकाशित हो रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया निर्देशिका 1954-55 से प्रकाशित हो रहा है। आगे हम बात करें, हमारा प्रश्न आता है 42 कि पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए पुस्तकालय द्वारा लाए गए निर्देशों के पर्चे को क्या कहते हैं, तो लाइब्रेरी गाइड, पुस्तकालय मार्गदर्शिका हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। आगे हम देखें, हमारा प्रश्न आता है कि पुस्तकालय विज्ञान की भाषा में विपणन, विपणन का क्या अर्थ है? विपणन से तात्पर्य है कि उत्पाद को बेचना या उस उत्पाद, ऑप्शन पे हम नजर डालें कि उत्पाद सेवाएं बेचना या पुस्तकालय के उत्पाद बेचना या पुस्तकें बेचना, और चौथा ऑप्शन है हमारा पुस्तकालय के उत्पाद एवं सेवाएं बेचना। तो हमारा यहाँ पे विपणन से तात्पर्य बाजार, और यहाँ पे हमारा पुस्तकालय के उत्पाद एवं सेवाएं बेचने से है, तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा पुस्तकालय के उत्पाद एवं सेवाएं बेचना। नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर कि उपयोगकर्ता और दस्तावेजों के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीसरा कौन है। यह आपको पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, आधुनिक सूचना तकनीक में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, उसमें हम इसकी बारे में चर्चा कर चुके हैं कि उपयोगकर्ता, दस्तावेज और पुस्तकालय कर्मचारी, यह तीनों त्रिमूर्ति रहेंगे। आगे हम बात करें कि इनमें से किसने सूचना स्रोतों में व्यवहारिक गैर व्यवहारिक नव्य व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज, माइक्रो डॉक्यूमेंट, यह चारों डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने बताए हैं। हम ऑप्शन नंबर 2 पे कहें, ग्रोगन महोदय ने 3 स्तर बताए हैं, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत। एनसन महोदय ने प्रलेखों के 2 बताए हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। इसी प्रश्न से हमारे सामने 3 प्रश्न आते हैं कि व्यवहारिक, गैर व्यवहारिक, नव्य व्यवहारिक और सूक्ष्म दस्तावेज प्रलेखों को कितने प्रकार से, 4 प्रकार से डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने, ग्रोगन महोदय ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्रोतों में बांटा है प्रलेखों को, और हैंसन महोदय ने प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार से हमें बताया है। आगे हम बात करें कि लाइफाई, एक है लाइफाई और दूसरा है वाईफाई, इन दोनों की ही पूछी जाती है फुल फॉर्म, तो लाइफाई से तात्पर्य हमारा है लाइट फिडिलिटी, और वाईफाई से आप ध्यान रखें
वाईफाई और लाईफाई, इन दोनों की फुल फॉर्म अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी आपकी वायरलेस फिडिलिटी और यहाँ पे आपकी लाईफाई की है लाइट फिडिलिटी। आगे हम प्रश्न देखें कि किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिय सूचना या समाचार युक्त प्रिंटिंग, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य रूप में हम क्या कहेंगे उसे, समसामयिक अर्थात समाचार पत्रिका। अगला प्रश्न आता है 49। आज हम 50 प्रश्न पे चर्चा करेंगे, पुस्तकालय भी। अभी हमारा हाल ही में 3 अक्टूबर को आयोजित नवोदय विद्यालय के पेपर के 50 प्रश्न हैं। आगामी 50 प्रश्न अगले सीरीज में हम लेंगे इनको, जब भी हमें समय मिलेगा या आपके अस्तित्व ऐप पर चल रही टेस्ट सीरीज में जब भी उन प्रश्नों को डाला जाएगा, जब हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि रंगनाथन महोदय द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक के लिए कुल कितनी जगह देने की सिफारिश की है। तो हमें यह पता है कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने रिसर्च आर्टिकल में 5x5 अर्थात कि 25 फीट की जगह देने की सिफारिश की गई है, 25 फीट कहां पे, रिसर्च सेक्शन में, शोधकर्ताओं के लिए 5x5। तो आगे हम देखें हमारा अंतिम प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक का प्रकाशन कौन करता है। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र आपको पूरा टॉपिक करवा दिया गया है, जहां से 3 प्रश्न आपके इन्हीं 50 प्रश्नों में देखने को मिल गए हैं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा कि 1963 से पहले के जितने भी प्रकाशन है उन पे हमें माला प्रकाशन रहेगा, 1963 के बाद के जितने भी प्रकाशन है उनका शेयरलेस शारदा एंडोमेंट रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस के पास में कॉपीराइट है। तो आज का यह सेशन आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आपको श्री समृद्धि क्लासेज का यह नवासार किस तरह से चल रहा है और क्या क्या और इसमें बेहतर किया जा सकता है, आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।